बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया। मोहाली कोर्ट ने तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का दिया था वारंट। बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का दिया था आदेश। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आदेश गुप्ता समेत कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। वो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची है। अगर गलत काम करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा से मिले बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या। बग्गा के पिता और परिवार वालों से की मुलाकात। भारत के संविधान के ऊपर एक अत्याचार था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अरविंद केजरीवाल का असॉल्ट था, और भारत के संविधान के तहत जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक हमला था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के घर पहुंचे। पंजाब पुलिस पर साधा निशाना। बोले, पंजाब पुलिस ने अपहरण किया। केजरीवाल के व्यवहार की निंदा की। बग्गा को उठा के लेके जाती है, इसलिए कि पुलिस का पॉलिटिकली यूज वो लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर सीबीआई का छापा। 40 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में आप विधायक के ठिकाने पर छापेमारी। झांसी में सीएम योगी ने बच्चों के हाथों से कराया लोकार्पण। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया गया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया का पार्थिव शरीर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी का बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का घर घेरने की कोशिश की। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को सुबह 11 बजे लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। जेल से रिहा होने के बाद अस्पताल में भर्ती है नवनीत। रांची में आईएएस अफसर के घर मिले नोटों के बंडलों की गिनती में लगे कई घंटे। कुल 20 करोड़ की रकम बरामद। सियासी तार जुड़े होने का शक। अगर इसके तार देखे जाएं, इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी है और वहां के मुख्यमंत्री भी है, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को अपने साथ ले गई ईडी। घर पर पूछताछ के दौरान ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी आज से 5 दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन सर्वे का काम रुका। मस्जिद के विवादित परिसर की होनी थी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का दावा, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर जाने से रोका, प्रशासन का नहीं मिला साथ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सर्वे का आदेश कानून का उल्लंघन है, कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ रास्ता खोला। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर युवक ने की नारेबाजी, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में आपसी रंजिश के चलते 10 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाके में सुरक्षा बल तैनात। बागपत के भडल गांव में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव। एनजीटी के आदेश पर चर्म शोधन यूनिट को हटाने गई थी पुलिस,
कई पुलिसकर्मी हुए घायल, हिरासत में लिए गए आधा दर्जन लोग। राजस्थान के जोधपुर में आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। 2 और 3 मई की रात की हिंसा के बाद से 10 थाना क्षेत्रों में लगा है कर्फ्यू। चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कोस्ट गार्ड ने लोगों को सतर्क किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में दिख सकता है असर। समंदर में तूफान आने वाले है, आप जल्दी से अपने बंदरगाहों की ओर लौट जाइए। यूपी के लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय के बाहर यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप, सीएम योगी से न्याय की मांग। यूपी के कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने टीम पर किया पथराव। प्रशासन पर रजिस्ट्री के बावजूद दुकान गिराने का आरोप। एमपी के इंदौर में स्वर्ण बाग कॉलोनी में लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत। सिरफिरे आशिक ने स्कूटी में लगाई थी आग। स्कूटी से पूरी बिल्डिंग में फैली आग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में स्टील प्लांट में लगी आग। धमाके के साथ आग से मची अफरा तफरी। कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,805 नए केस। संक्रमण से 22 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस 20,000 के पार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।